सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जागसी गांव में हूँ भाई, और जागसी गांव बड़ा ज़बरदस्त गांव है, बड़ा गांव है। और यहाँ पे दो तीन गांव बताइए अगर ये जिसके गेला लाग जाव है नी उनने बड़ौदा में जिता का मान्या करें भाई, यह जागसी गाँव की खास बात है। चलो अभी अंदर सुनैना चौटाला जी आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा क्या कुछ माहौल चल रहा है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, इनेलो पार्टी की तरफ से इकलौती सुनैना चौटाला जी, कंपेयर करें सारी पार्टियों में जो भी महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा जितनी भागदौड़ वो कर रहे हैं, जितना लोगों को समझा रही हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि खुद कोई और पार्टी में महिला ऐसा काम कर रही होगी। बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल से बेंजी। राम 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 जी। बेंजी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ? मैं एकदम बढ़िया जी। अच्छा बेंजी, मैं ये पूछ रहा था, इस पार्टी की तरफ से और कोई महिला भी है जो इतनी मेहनत करे जितने आप लग रहे हो इस पार्टी की तरफ से? जी मेरी पूरी टीम है, ये प्रदेश अध्यक्ष रही, ये हमारी क्या नाम सरोज रही। रूटीन में कितने काम कर लो जी आप? रूटीन में आज तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भागदौड़ पता नहीं मेरी होगी। नहीं, 11 गांव निकाल लेंगे रोज। लेडीज जो है जी, अलग अलग ग्रुप करके जी 11 11 15 15 गांव हम कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। लेडीज अलग से, जो जेंट्स कर रहे हैं वो अपना काम अलग कर रहे हैं, सिर्फ महिलाएं जो अपना काम कर रही है उसकी मैं लिस्ट बता रही हूँ आपको। अच्छा बेंजी देखो, जितनी भी मैंने पार्टी देखी और आप भी, क्या किसी गरीब के घर भी जाओ हो? हाँ, एक बार मैं आपके साथ गया हाँ, गया था यहाँ पे भी हम गए हैं, और अभी जो है अभी भी जा नहीं लग रहे थे, चलो आप आगे बढ़िए और उनको देखो आप तो चलो देख ले मुझे अगर हाँ, किस चलो, घर में चलो, आपका चलो, प्रोग्राम चलो, है आज उसमें चलो। अच्छा है इधर, क्योंकि जी वैसे तो एक बात और पूछ लेता हूँ मैं, इतने बड़े परिवार से हैं आप तो जरूरत क्या है गांव में घूमने की? घर पर रेस्ट करो, साहब हैं मैं कर लेंगे राजनीति। देखो हमें एक चीज सिखाई गई है, आदरणीय दादाजी कहते थे कि राजनीति वो मंच है जिससे आप समाज में रह के समाज की सेवा कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मुझे ये यहाँ पे राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल ने पद दिया है तो मैं मेरे पद के साथ जस्टिस करना चाहती हूँ। न्याय तभी होगा जब मैं जितनी महिलाएं मेरे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, उनके दुख दर्द को समझूं और उनका साथ दूं। क्योंकि मैं जब रास्ते में आ रहा था, मैं धूल मिट्टी इतने बड़े बड़े खड्डे ये देखने लग रहा था, तो मैं सोचू था भाई सुनैना जी ने क्या जरूरत है यहाँ पे धक्के खाने की, यहाँ पे आने की, ऐसे ऐसे गलियों में जाने की। इस गली में जी ओके, तो भाई इस गली में है और सच्चाई है भाई, हरियाणा में धनाढ्य परिवार और हमारी बहन जी घूम रही है, तो जरूरत क्या है? देखो हरियाणा प्रदेश हमारा अपना है, इसको बनाने वाले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी थे जी। तो अगर इसका कोई भी सदस्य है जी तकलीफ में है या उसको कोई जरूरत है, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम उसके पास जाएं, उसकी तकलीफ को जानें और जितनी हो सके हम उसकी मदद भी करें। और लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे परिवार को, तो उस प्यार के वशीभूत हमारा ये फर्ज बनता है। आपका जिस तरीके से तूफानी दौरा है 15-15 गांवों का कवर करना, इसका मतलब हर तीसरे दिन एक गांव का दोबारा नंबर आ जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तीसरे दिन है, क्योंकि आज भी मैं इधर भी मैं दोबारा ही आई हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ बुरा हल्का जी जी, और यहाँ मैं दोबारा आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि भी एक एक वोटर के मैं दिल तक पहुँचूँ, एक एक वोटर तक मैं पहुँचूँ। तो ये आप आज ये इतना हाईटेक जब जमाना है और इसमें हरियाणा प्रदेश में ये घर है जी, और इनका आप खुद देखें। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इसमें एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि कांग्रेस कहती है कि हमने 500 करोड़ का विकास कराया, बीजेपी भी कहती है कि हमने 500 करोड़ का विकास कराया, 1000 करोड़ का विकास है जी। ये आप देखो भाई, ये घर की एक बार स्थिति देख लो। ताई राम राम। हाँ राम राम भाई। ताई ठीक से? हाँ ठीक से। ताई जाना है नाना? हाँ जानो हूँ। अच्छा पहली बार आए कई बार आ लिए?
यह तो कई बारी घर भी आ रही, कई प्रोग्राम हो रही है। मेरी खुद बेटी है, अच्छा जी, वो ये मेरा रमाई है, अच्छा जी, ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ, क्या बात, देखो मेरी बहन बड्डी का घर है, अच्छा ठीक है जी, वाह जी वाह। बहन जी, अब ऐसी परिवार के लिए दिल में क्या लगा है कि भाई इनका कैसे विकास हो सका? वही है कि क्या एक सीट ये विकास करवा सकती है? देखो क्यों नहीं करा सकती, यदि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि प्रदेश की सरकार चाहे, जैसे इन्होंने कहा था कि हम विकास कराएंगे और अच्छे दिन लेके आएंगे, तो अगर ये चाहते तो क्यों नहीं हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। और जिस टाइम दादाजी थे, उन्होंने अभी मेरे को एक अध्यापिका मिली थी, बोले मैं ना चुटाला रह के आई थी, वहाँ पे अध्यापकों के लिए भी क्वार्टर थे, तो उस वक्त जो सुविधाएं तब दे सकते थे तो अब क्यों नहीं। अब तो ये अडानी अंबानी के बिल्कुल सिर्फ उनके ही चेले बन के रह गए, आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। आप 54 गांवों में घूमे, ऐसे ऐसे घरों में अक्सर गए हो, मेरा आज दूसरा आपके साथ मौका है भाई, ऐसे घर में आप आए, अक्सर जाते नहीं, हाँ, तो ये स्थिति क्यों है ऐसे? मतलब और पार्टियां मेरे को कम जाने को दिखाई दे, एक बड़े से इसका कारण घर में बैठ जाऊंगे, बड़ी सी हवेली में उड़े जाके सारे मिले में उड़े जाके सारा कुछ। इसका कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो पिछले सालों में बिल्कुल गरीब और गरीब होता चला गया, और अंबानी और अमीर होता चला गया, इसका कारण सिर्फ एक ही है। अब बड़ौदा वालों को क्या मैसेज आते हैं? बड़ौदा वासियों से तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम तो कार्य करके वोट मांग रहे हैं, और जो और पार्टियां हैं वो झूठ के आधार पे वोट मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जिसमें झूठ का एक बंडल लेके चलती है, शाम तक सारे बांट देती है, और फिर अगले दिन फिर से एक बंडल और भरती है और फिर सारे बांट के चली जाती है। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, तो कांग्रेस में आपने विधानसभा में भी देखा होगा कि इनके नेता विधानसभा में नहीं बोलते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते, ऐसी स्थिति हो। वो तो बड़ौदा पिछले कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं उजागर की गई, आज तक क्यों नहीं बताया गया विधानसभा में? तो कुल मिला के यदि कोई गरजता है विधानसभा में तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है। एक हमारे एमएलए ने 89 MLA चुप करा रखे हैं, लोगों की बातें बता बता के, और वो सब चुप इसलिए हैं कि उन सबको कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारे ऊपर कोई केस ना बनवा दे, हम किसी भ्रष्टाचार में हमें कोई अंदर ना करा दे। ये जो जेल का डर तो हुड्डा साहब को खा गया, तो यहाँ से कैंडिडेट भी उन्होंने बहुत हड़का दिया है, बीजेपी की बी टीम का काम किया उन्होंने, तो इसलिए मेरी तो बड़ौदा वासियों से डर के मारे जो ये बातें चलती हैं। हाँ, ये सच्चाई है। और एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, ये एक अफवाह फैला रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल तो अपना वजूद बचा रही है, तो मैंने पीछे एक और पीके पत्रकार मिले थे, उनको भी मैंने ये जवाब दिया था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि कांग्रेस ने ये अफवाह फैला रखी है कि भाई अपना वजूद बचा रही है इंडियन नेशनल लोकदल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का जो वजूद है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं, और उनको अपने वजूद की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका वजूद इन सब के वजूद से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। हम लड़ाई लड़ते हैं किसान की, हम लड़ाई लड़ते हैं गरीब की, हम लड़ाई लड़ते हैं जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है, जो बेरोजगारी की, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का काम करते हैं, ना कि वजूद बचाने का। वजूद बचाने की जरूरत आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वयं है, वो इस वजूद की लड़ाई में कभी शैलजा के साथ कुछ स्टेज पे करवाते हैं, कभी वो आपने एक वो तंवर, क्या था, अशोक तंवर ही था ना, अशोक तंवर, उसकी हालात पूरे हरियाणा से छुपी नहीं है। तो वजूद की लड़ाई तो ये लड़ते हैं, तो ये कल शैलजा जी के साथ भी कुछ ऐसे स्टेज के ऊपर हुई है ऐसी, वो नाराज होके ही गई हैं तकरीबन, तो कहीं ये सुरजेवाला से डे, तो वजूद इनको बचाने की जरूरत है। चौधरी देवीलाल का वजूद आकाश जितना ऊंचा है, उनको बचाने के लिए हर, आप किसी भी वोटर किसी बुजुर्ग से पूछो, वो उनके दिल में बसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। तो भाई ये है यहाँ की स्थिति, और बड़ी दयनीय स्थिति है भाई, घर बिल्कुल टूटा हुआ है। और देखो मैं तो दूसरी बार आज सुनैना जी के साथ आया, और यहाँ पे आते ही जो बुजुर्ग थी माता जी, वो खुद कह रहे थे भाई ये तो 5-6 बार कई बार आ चुके हैं, ये नहीं कि इलेक्शन है तो ही आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर
देखते हैं भाई इलेक्शन कहाँ जाता है, किस किस स्थिति क्या है। धन्यवाद जय हिंद भारत माता की। चल।